खिलजी क्रांति या खिलजी रिवॉल्यूशन एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी पद्धति है जो मुख्यतः ममलूक वंश के पश्चात, मतलब गुलाम वंश के पश्चात, जिस नई शासन पद्धति, जिस नई विचारधारा, जिस नई पद्धति के अंतर्गत खिलजी वंश की स्थापना हुई, उस खिलजी वंश की स्थापना के क्रम में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए, इन परिवर्तनों और बदलावों का तत्कालीन परिवेश पे, तत्कालीन इतिहास और समाज और संस्कृति पे जो प्रभाव पड़ा, जो परिवर्तनकारी या बदलाव वाली प्रभाव पड़ी, इन सब के फलस्वरूप ही हम इसे खिलजी क्रांति या खिलजी रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। खिलजी जो शब्द है, यह बेसिकली खिलजी जो टर्म है, यह टर्म मुख्यतः अफगानिस्तान में जो हेलमंद नदी घाटी है, ठीक है, तो अफगानिस्तान में हेलमंद नदी जो घाटी है उसे हम मुख्यतः खिलजी नाम से या खलजी नाम से जानते हैं। तो अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की जो घाटी है जहाँ से मुख्यतः खलजी लोग आए, यही माने जाते हैं। तो यहाँ पे इस नदी घाटी को हम इस क्षेत्र को कहते हैं खलजी, क्योंकि यहाँ पे खलजी संप्रदाय का, खलजी कबीले के लोग, खलजी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते थे, उसके ट्राइब्स रहते थे। खलजी जो हैं ये एक प्रकार से तुर्कियों की ही शाखा थी, ठीक है, तुर्कियों की ही एक प्रकार से शाखा थी। और कही जाती है कि जो हेलमंद नदी के क्षेत्र में ये जो खलजी रहे, यही खलजी आगे चल के माइग्रेट करके अन्य क्षेत्रों में विस्तारित होते हैं, अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं और वहाँ जाके शासन सत्ता स्थापित करते हैं। और ऐसे ही खलजी जो थे वो भारत में भी अपनी शासन सत्ता स्थापित करते हैं। तो एक तो हो गए, एक इनके नाम पे हो गया खलजी। अब रिवॉल्यूशन जो शब्द है, या जो क्रांति का मतलब होता है, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी घटना या ऐसी पद्धति जिससे समाज में कोई बदलाव आए, जिससे समाज में कोई परिवर्तन आए, जिस घटना या पद्धति से समाज में परिवर्तन दिखाई पड़े और इससे, इस परिवर्तन से समाज का एक बड़ा वर्ग या पूरा समाज प्रभावित हो, उस प्रभाव के फलस्वरूप उनके जीवन शैली, उनके सांस्कृतिक परिवेश आदि में हमको अंतर दिखाई पड़े, वह घटना जो है एक प्रभावशाली हो, परिवर्तनकारी हो, वह घटना कहलाती है परिवर्तन या रिवॉल्यूशन, ठीक है, वह घटना कहलाती है परिवर्तन या रिवॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं आपका क्रांति। तो क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। इसीलिए हम देखते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है, या किसी भी अमूलचूल शासन सत्ता में, अमूलचूल पद्धति में, अमूलचूल सरकार में, किसी भी स्थापित सत्ता, सरकार या पद्धति में अगर कोई अमूलचूल परिवर्तन की बात की जाए, उसमें बदलाव की बात की जाए, तो उसे हम कहते हैं क्रांति या परिवर्तन या बदलाव। इसी को कहते हैं हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको ही हम मुख्यतः इंकलाब शब्द के भी नाम से जानते हैं। इंकलाब का भी बेसिक जो तात्पर्य होता है वह होता है बदलाव या परिवर्तन। तो इंकलाब जो शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है, यह मोहम्मद इकबाल ने अपने ग्रंथ बंग ए दर्रा में किया है। इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने अपने ग्रंथ बंग ए दर्रा में किया है, जबकि इंकलाब जिंदाबाद जो शब्द है, जिसे राजनीतिक नारे के रूप में मुख्यतः प्रयोग किया गया, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया, तो इसका प्रयोग सबसे पहली बार भगत सिंह ने किया। तो इंकलाब को राजनीतिक नारों के रूप में प्रयोग करने का श्रेय भगत सिंह को दिया जाता है, जबकि इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। मोहम्मद इकबाल ने ही पहली बार तराना ए हिंद में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था, तराना ए हिंद में, ठीक है। तो हमको सारे जहाँ से अच्छा तराना ए हिंद में प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि क्रांति का मतलब होता है बदलाव। इसका मतलब हुआ कि खिलजियों के द्वारा किया गया परिवर्तन या बदलाव ही खिलजी क्रांति कहलाता है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के अंतर्गत ममलूक वंश या गुलाम वंश के पश्चात जो शासन प्रशासन की पद्धति में, जो सांस्कृतिक जीवन में जो बदलाव आया,
जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों का जो प्रभाव पड़ा वो प्रभावकारी घटना के रूप में पर हमें व्यक्त होती है, प्रभावकारी घटना के रूप में हमको दृष्टिगत होती है। इसी दृष्टिगत पद्धति को, इसी बदलाव की प्रवृत्ति को हम खिलजी क्रांति कहते हैं, क्योंकि यह बदलाव जो है वह खिलजियों के द्वारा हुआ, खिलजियों के आगमन के फलस्वरूप हुआ, खिलजियों की सत्ता की स्थापना के फलस्वरूप हुआ, इसीलिए इसे हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। खिलजी क्रांति की अवधारणा मुख्यतः इतिहासकार KS लाल ने दिया है, और इसमें अन्य इतिहासकार हैं RP त्रिपाठी और मोहम्मद हबीब। इतिहासकार KS लाल खिलजियों के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, इन्होंने खिलजियों के इतिहास पर महत्वपूर्ण शोध किया है इतिहासकार KS लाल ने, ठीक है। तो खिलजी रेवोल्यूशन का जो अवधारणा है मुख्यतः KS लाल और अन्य इतिहासकारों की रही है। खिलजी क्रांति की जो अवधारणा है जो खिलजियों के साथ आती है, इस पद्धति में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए, KS लाल कहते हैं, इतिहासकार KS लाल ने अपने शोध प्रक्रिया के अंतर्गत कहा कि खिलजियों के आगमन के साथ या खिलजियों के साथ न केवल एक नवीन वंश की स्थापना हुई, बल्कि साथ ही साथ विजयों और कूटनीति और साथ ही साथ साहित्यिक क्रियाकलापों में भी एक नवीन दौर की शुरुआत होती है, समझिएगा। कहते KS लाल कहते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना के साथ न केवल एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है, बल्कि कूटनीति में, विजयों में और यहाँ तक कि साहित्यिक क्रियाकलापों में भी एक नए दौर की शुरुआत देखने को हमको मिलती है। अच्छा, इसी तरह RP त्रिपाठी कहते हैं कि खिलजियों की स्थापना के साथ या उनके इनके इनके आगमन के परिणाम स्वरूप जो एक नव उदित राजभक्त वर्ग था उसको बहुत ज़्यादा ठेस लगता है। तो राजभक्त से संबंधित जो राजसत्ता से चिपके हुए व्यक्तियों का एक वर्ग था जो राजभक्त दिखाते थे, ऐसे वर्ग को इसके साथ बहुत धक्का लगता है, क्योंकि खिलजियों ने ऐसे वर्गों को कोई संरक्षण नहीं दिया तो यह जो पद्धति हमको गुलाम वंश या ममलूक वंश में दिखाई देती है, उस पद्धति में कमोबेश बहुत सारे हमको आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया जाता है। तो खिलजियों के आने के पश्चात दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा में जो बदलाव हुआ, जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उसे हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं, पहला। अब इस खिलजी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? खिलजी क्रांति की वह मुख्य विशेषता जो इसे ममलूक राज्य से, जो इसे गुलाम वंश से अलग करती है, उनमें सबसे प्रमुख है कि खिलजियों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों के अपेक्षाकृत अपने स्वयं के अस्तित्व पे आधारित शासन सत्ता की स्थापना किया। इनकी जो सत्ता थी यह शक्ति पे आधारित सत्ता थी। यह देखिएगा, तो खिलजियों की मुख्य सत्ता क्या थी? इनकी सत्ता मुख्यतः शक्ति आधारित सत्ता थी। ठीक है, इन्होंने सत्ता को अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त किया, इन्होंने सत्ता को अपने अस्तित्व के माध्यम से प्राप्त किया। तो इन्होंने अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी भी अन्य बाह्य पद्धति का प्रभाव या अन्य पद्धति का कोई भी सहयोग नहीं लिया, इन्होंने सत्ता को स्वयं के प्रयासों के द्वारा प्राप्त किया गया माना, इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह स्वयं के अस्तित्व पर आधारित सत्ता थी। इसमें न तो जनता का कोई सरोकार था, योगदान था, न तो उलेमा वर्ग का था, न तो अमीर वर्ग का था। तो इन्होंने स्वयं पे आधारित, शक्ति पे आधारित सत्ता की बात किया जो स्वयं के अस्तित्व से सिद्ध होता है, और इसमें न तो कोई जनता का योगदान है, न तो कोई अमीर वर्ग का योगदान है, न तो कोई उमरा वर्ग का योगदान है, और न तो कोई उलेमा वर्ग का योगदान है। ठीक है, तो इनके योगदानों को इन लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। यह ऐसा दौर था जो दौर मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, जो लुई चौधामा का दौर है जिसे कहते हैं। यह दौर मुख्यतः मैं ही राज्य हूँ का दौर था, जो मुख्यतः लुई चौधामा का कथन था, लुई 14
लुई चौदहवां का कथन था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। तो ऐसी पद्धति थी जो शासन सत्ता की कैसरवादी प्रवृत्ति पे बल देती है, जो शासन सत्ता की ऑटोक्रेसी पे बल देती है, जो शासन सत्ता की सर्वोच्चता और सॉवरेंटी की बात करती है। वह सॉवरेंटी पूरी तरह से सुल्तान में ही अंतर्निहित है, अन्य प्रवृत्तियों में नहीं, न जनता में, न उलेमा वर्ग में, न तो शरीयत या शरा में। ठीक है, तो इन्होंने इसका प्रतिकार किया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी बदायूं के काजी मुगुसुद्दीन से कहता है कि शरा या शरीयत में क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं राज्य के लिए जो उचित समझता हूँ वही करता हूँ। कयामत के दिन में, द डे ऑफ जस्टिस, कयामत के दिन में क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसका कथन है? अलाउद्दीन खिलजी का। किससे कहा था? बदायूं के काजी मुगुसुद्दीन से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो काजी मुगुसुद्दीन से उसका यह कथन महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। ठीक है, तो सराय शरीयत को पूरी तरह से यहाँ पे नकार देता है। वह आगे कहता है कि अलाउद्दीन आगे कहता है कि मैंने न कभी कुरान पढ़ा, न कभी रोज़ा रखा और न कभी शुक्रवार की नमाज में शामिल हुआ। फिर भी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। तो यह ऐसी प्रवृत्ति था, ऐसा दौर था जिस दौर में सत्ता को पूरी तरह से संग्रहित करके पूरी तरह से इंटीग्रेटेड पावर के रूप में शासक में या शासकीय सत्ता थियरी ऑफ किंगशिप में राजत्व के सिद्धांत में समाहित कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह यह खिलजी क्रांति का अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता वह यह है कि खिलजियों ने पहली बार राजसत्ता को धर्म से मुक्त किया और एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष सत्ता की स्थापना करने का प्रयास किया। तो एक प्रकार से इन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष सत्ता की स्थापना का प्रयास किया और इसमें उन लोगों ने न शरीयत को मान्यता दिया, न उलेमाओं को मान्यता दिया, न अमीरों को मान्यता दिया, न किसी प्रकार के धार्मिक आस्था की बात इन्होंने किया। इन्होंने सत्ता और सरकार और खासकर शासन प्रशासन के संचालन में मुख्यतः इन्होंने धर्म को पूरी तरह से अलग रखा और धर्म को कोई महत्व नहीं दिया। इसीलिए खलीफा की सत्ता को भी विशेष तवज्जो नहीं दिया, खलीफा की सत्ता को मान्यता न देना यह भी खिलजी क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषता है। इन्होंने खलीफा की सत्ता, क्योंकि खलीफा मैंने कहा था, खलीफा इस्लामिक इतिहास में राजनीतिक सत्ता और आध्यात्मिक या धार्मिक सत्ता दोनों का केंद्र बिंदु था। इसीलिए इस्लामिक राज्यों को मुख्यतः थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, ऐसे कहते हैं थियोक्रेसी, तो धर्म केंद्रित राज्य, या इसे कहते हैं थियोक्रेटिक या थियोक्रेसी। ओके, तो यह थियोक्रेटिक राज्य था जिस पद्धति कहते हैं थियोक्रेसी, तो यह एक थियोक्रेटिक राज्य था। ठीक है, लेकिन खिलजियों ने इस स्वरूप को कहीं न कहीं इस पर आघात किया और इन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसके आधार पे, शक्ति पे आधारित, स्वयं के अस्तित्व पे आधारित सत्ता की बात किया और इन्होंने इसीलिए खलीफा को मान्यता न देकर अलाउद्दीन खिलजी को स्वयं खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने इसे सदैव खलीफा कहा है। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह में स्वयं खलीफा कहा है, सदैव खलीफा कहा है। साथ ही साथ इसे जनता का चरवाहा, दुनिया का खान आदि अनेक उपाधियां दी गई हैं। और इसी पद्धति में आप देखे होंगे इसके, ठीक है, इसी पद्धति में देखे होंगे एक प्रकार से दुनिया का खान या विश्व का सुल्तान की जो बात की गई, एक प्रकार से इसकी सत्ता को पूरे अल्लाह के बाद, सीधे अल्लाह के बाद एक वास्तविक सत्ता के रूप में व्यक्त कर दिया गया और खलीफा की सत्ता को बीच से यहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है, और स्वयं मुबारक खिलजी जब हुआ, उसने तो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। तो मुबारक खिलजी ने एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि मुबारक खिलजी ने तो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया, मुबारक खिलजी ने तो स्वयं को ही यहाँ पे खलीफा घोषित कर दिया, तो इन लोगों ने खलीफा की सत्ता को
उसको स्वीकार नहीं किया। आगे समझिएगा, खिलजी क्रांति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, इन्होंने साम्राज्यवादिता को, ठीक है, इन्होंने साम्राज्यवादिता पे बल दिया, साम्राज्यवादिता की प्रवृत्ति का विकास, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास। अब देखिए, इन्होंने मुख्यतः, खिलजियों ने मुख्यतः साम्राज्यवाद को एक शासकीय नीति के अंतर्गत, साम्राज्यवादी भावना को, इसका मतलब हो गया कि जो इंपीरियलिज्म की प्रवृत्ति है, जो साम्राज्य को एक्सटेंड करने की प्रवृत्ति है, जो साम्राज्य को विस्तार करने की प्रवृत्ति है, जिसे प्राचीन साहित्य प्राचीन ग्रंथों में जिसके लिए आप अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, ठीक है, तो यह भी प्रवृत्ति जो है वह सत्ता विस्तार की बात करता है। तो सत्ता विस्तार का जो कंसर्न है यहाँ पे, वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को के विकास की बात की गई, और इन्होंने साम्राज्य को बढ़ाने की प्रवृत्ति पे इन्होंने विशेष रूप से जोर दिया और एक बड़े साम्राज्य के निर्माण का प्रयास किया। ऐसी कंडीशन में समझिएगा, जैसे कि बलबन के अगर दृष्टिकोण को देखें, तो बलबन के दृष्टिकोण के बारे में मैंने कहा कि इतिहासकार ए बी पांडे बलबन के सभी कार्यों का निचोड़ एक शब्द में कहते हैं, वह है सुदृढ़ीकरण या सॉलिडेशन। कहते हैं बलबन के समस्त कार्यों का निचोड़ अगर एक शब्दों में देखा जाए तो वह है सॉलिडेशन या सुदृढ़ीकरण, क्योंकि बलबन ने आक्रामक नीति के स्थान पर एग्रेसिव पॉलिसी को त्याग कर, बलबन ने मुख्यतः सेफ गार्डिंग की पॉलिसी, और बलबन ने मुख्यतः सुरक्षात्मक प्रवृत्ति की बात किया, राज्य को सुरक्षा प्रदान करना, राज्य को सुदृढ़ करना उन्होंने ज़्यादा श्रेयस्कर समझा अपेक्षाकृत युद्धों के। लेकिन उनके स्थान पर यद्यपि यह कहा भी जाता है कि बलबन की सुदृढ़ीकरण की नीति के फलस्वरूप ही खिलजी साम्राज्यवाद की अवधारणा स्थापित हो पाई, ठीक है, तो बलबन ने वास्तव में आंतरिक रूप से साम्राज्य को मजबूत किया, सशक्त किया, और उसी मजबूत साम्राज्य पे आगे चल के खिलजी साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ, और खिलजियों ने एक बड़े भूखंड पे अधिकार करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, तो इस प्रक्रिया को इन्होंने सार्थक किया। खिलजी साम्राज्यवादिता के अंतर्गत ही आप देखे होंगे कि स्वयं अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय की इच्छा करता है, और विश्व विजय की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर ही उसने सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। और वह विश्व विजय भी कर, तो सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। विश्व विजय की संकल्पना के अंतर्गत वह सिकंदर की महान की तरह बड़े साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था, विश्व के देशों को जीतना चाहता था, लेकिन जो दिल्ली के कोतवाल अताउल मुल्क थे, जब उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि सम्राट के लिए, सुल्तान के लिए अभी यह श्रेयस्कर है कि वह विश्व की विजय करने से पूर्व पहले भारत का ही इतना बड़ा भूखंड है, इतना बड़ा क्षेत्र है, पहले उसको जीतने का प्रयास करे, उसके पश्चात वो विश्व विजय की ओर निकले। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को कोतवाल अताउल मुल्क की वह बातें अच्छी लगी, और उन्होंने उसी के सलाह पे मशवरा पर उन्होंने विश्व विजय की संकल्पना को छोड़ दिया, और पहले उन्होंने अपने ही देश की विजय या भारत की विजय करने का पूरी तरह से प्रयास किया, एक बड़े साम्राज्य के निर्माण का उन्होंने प्रयास किया। अच्छा, याद रखिएगा, इसी तरह हमको वहाँ उदाहरण मिलता है जबकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान संदर्भ में कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान भी विश्व विजय करना चाहता था, इसीलिए उसने एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था दलपंगुल। तो दलपंगुल किसकी उपाधि है? दलपंगुल उपाधि है पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा की उपाधि है दलपंगुल। दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजय करने वाला, ठीक है, और शाहजहाँ का मतलब भी होता है विश्व विजय करने वाला, ठीक है, शाहजहाँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो दलपंगुल उपाधि किसकी है? दलपंगुल उपाधि है आपका पृथ्वीराज चौहान की, राय पिथौरा, पृथ्वीराज तृतीय। कहा जाता है कि मिन्हाज कहता है कि पृथ्वीराज चौहान में विश्व विजय की जो भावना है वह किसी भूत की तरह घर कर गई है, ठीक है, तो वह मतलब वह विजय करना चाहते थे, यद्यपि अभी कभी क्रियान्वित नहीं हो पाया। ओवरऑल
अब आते हैं तो खिलजी साम्राज्यवाद की एक तो महत्वपूर्ण विशेषता आपका यह हो गया। दूसरा समझिएगा, खिलजियों ने अन्य जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया वह यह किया कि खिलजियों ने तुर्कियों की अपेक्षाकृत अपने शासन पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव किया। जैसे खिलजियों ने तुर्कियों की नस्लवादी नीति ठीक है इन लोगों ने तुर्कियों की नस्लवादी नीति और बलबन की जो रक्त की उच्चता की नीति थी रक्तवादी नीति का को महत्व नहीं दिया को महत्व न देना और बल्कि इसके स्थान पे इन सैद्धांतिक नीतियों के स्थान पे खिलजियों ने मुख्यतः व्यवहारिक नीति पे ज़्यादा बल दिया, व्यवहारिक नीति को अधिक श्रेयस्कर माना और उन्होंने उनके शासन का मुख्य आधार सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो अपेक्षित था, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो उचित था, वे वही नीति का पालन करते थे जो खिलजी क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। इसीलिए इस काल में महत्वपूर्ण गैर इस्लामियों को भी बड़े बड़े पद प्रदान किए गए, जैसे नुसरत खां, जैसे जफर खान, जैसे आपका मलिक काफूर, इनको महत्वपूर्ण और उच्च पद प्रदान किए गए। जबकि बलबन की जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी, उसमें जो ब्लड पॉलिसी थी उसमें मुख्यतः निम्न जातियों को महत्वपूर्ण पद नहीं दिए गए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्टिसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिज्म, तो बहुत सारे रेस आदि के माध्यम से उनके साथ जो विभेद की प्रवृत्ति आई, उन प्रवृत्तियों का यहाँ पे खिलजियों ने क्या किया, उन प्रवृत्तियों को समाप्त कर दिया। अगला समझिएगा, यहाँ पे एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि खिलजियों ने जो अपने राजत्व का तरीका निकाला है, जो अपने राजत्व थियरी ऑफ किंगशिप का विकास किया, इस पद्धति में इन्होंने अपने खिलजी क्रांति के अंतर्गत, अपने राजत्व सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप के अंतर्गत इन्होंने सैनिकवादी प्रवृत्ति पे बल दिया और इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैनिकवादी तत्वों, राजत्व में सैनिकवादी शक्तियों तत्वों, शक्ति और धन सभी का प्रयोग किया। तो इन्होंने सैनिकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, शक्ति को बढ़ावा दिया और धन की महत्ता स्थापित किया, धन की महत्ता पे बल दिया। आपने देखा होगा स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने जब सत्ता प्राप्त किया तो धन के बदले, क्योंकि उसने सत्ता जब प्राप्त किया था तो वह मुख्यतः जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद प्राप्त किया था, तो ऐसी कंडीशन में अन्य वर्ग या जनता जो है उसका विरोध न करे, इसलिए उसने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, महत्वपूर्ण लोगों को, उसने बहुत सारे जो देवगिरी से धन लूट के लाया था उसका वितरण करा देता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद उसने सत्ता पे एक प्रकार से निष्कंटक रूप से राज स्थापित कर लिया। तो धन का प्रयोग भी, धन की महत्ता को भी उसने इस नीति में प्रतिपादित किया ठीक है। इन सब के बावजूद यद्यपि मैंने कहा कि खिलजी राजत्व की अवधारणा में जनता, उमरा वर्ग आदि को महत्व नहीं दिया गया और शासन सत्ता जो प्राप्त की गई उसमें मुख्यतः इनके योगदान की चर्चा नहीं की गई, फिर भी जन कल्याण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फिर भी खिलजी क्रांति के अंतर्गत जनहित को विशेष महत्व दिया गया, जन कल्याण और जनहित को विशेष महत्व दिया गया। तो यह सब जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब प्रवृत्तियां मुख्यतः खिलजी क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इन्हीं के आधार पर खिलजी क्रांति स्थापित हो पाया। अच्छा, अब समझिएगा, हमने कहा कि जो इनकी मुख्य विशेषता साम्राज्यवादी प्रवृत्ति रही है, इस साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति रही है, इस संदर्भ में लुई चौदहवां का मैं ही राज्य हूँ की नीति या मुसोलिनी का यह कथन कि मुसोलिनी का कथन है वार मेक्स द मैन ग्रेट, युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, वह
ऐसी ही प्रवृत्ति यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ खिलजियों की भी यह मान्यता थी कि जो युद्ध है वह राज्य के लिए आवश्यक होता है। खिलजियों की भी मान्यता थी कि युद्ध जो होता है राज्य के लिए आवश्यक होता है। मुसोलिनी का बड़ा फेमस कथन था। मुसोलिनी कहता है कि जैसे एक स्त्री के लिए मातृत्व सुख आवश्यक होता है, एक स्त्री के लिए मातृत्व सुख आवश्यक होता है, उसी तरह राज्य के लिए युद्ध आवश्यक होते हैं। उसी लिए राज्य के लिए युद्ध आवश्यक होता है। और आगे कहता है, वार मेक्स द मैन ग्रेट, कहता है युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। और उसी का एक प्रसिद्ध कथन था कि पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। मुसोलिनी का कथन था कि पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। वो कहता है कि सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है, सत्ता शक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, सत्ता सेना के माध्यम से प्राप्त होती है, सत्ता बल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अन्य प्रवृत्तियों का उसने अपने थियरी ऑफ किंगशिप में प्रतिकार कर दिया, उसको नकार दिया। ठीक है, और यही प्रवृत्ति जो है हमको यहाँ दिखाई देती है। एक महत्वपूर्ण कथन और समझिएगा, जब माओवाद का विकास हुआ तो माओवाद का जो जादो जियांग की थ्योरी थी, जादो जियांग की भी थ्योरी में हम पाते हैं कि वह भी सत्ता के विस्तार और सत्ता की प्राप्ति के लिए बाय हुक और क्रूक की बात करता है। वह भी सत्ता के विस्तार में शक्ति के बल की बात करता है और गुरिल्ला वारफेयर की बात करता है, जिसे मुख्यतः पेटी वार, गुरिल्ला वार और पीपल्स वार की बात नाम दिया जाता है। पीपल्स वार जो शब्द है वह पहली बार नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने प्रयोग किया था, जिसे कहते हैं पीपल्स वार। तो पीपल्स वार हो, चाहे पेटी वार हो, चाहे आपका गुरिल्ला वारफेयर हो, ये सब जो वारफेयर की प्रवृत्तियाँ हैं, ये सभी एक प्रकार से गुरिल्ला वार या छापा मार युद्ध पद्धति के ही प्रकार हैं। ठीक है, प्रकार हैं जिसे मुख्यतः जादो जियांग ने शुरू किया, माओसे तुंग ने इसे शुरू किया। आगे चल के हम चिगवेरा को देखते हैं, उन्होंने चिगवेरा ने इसका खूब प्रयोग किया। फिर आगे चल के भारत के संदर्भ में शिवाजी ने इसका व्यापक प्रयोग किया। शिवाजी के बाद आपका बाजीराव, मराठों में मुख्यतः बाजीराव द्वितीय ने इसका खूब व्यापक प्रयोग किया। तो कुल मिला के इस पद्धति का व्यापक प्रयोग लगातार होता रहा। ठीक है, तो वहाँ पे जादो जियांग का एक प्रमुख कथन था। जादो जियांग कहता है कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज, ठीक है, ग्रोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। तो एक प्रकार कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। यह कथन किसका है? जादो जियांग का है पॉलिटिकल पावर, और मुसोलिनी का है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। ठीक है, तो कुल मिला के इन सब प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और खासकर खिलजी क्रांति की अवधारणा को देख सकते हैं। तो खिलजी क्रांति के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण विचारधारा का विकास हुआ, और इसी पद्धति से खिलजियों ने जो साम्राज्य स्थापित किया, जो अपने राजत्व सिद्धांत स्थापित किया, इसके फलस्वरूप अनेक परिवर्तन हमको इनके पूर्ववर्ती शासन सत्ता मतलब गुलाम वंश या ममलुक वंश से दिखाई पड़ता है। यही आपका खिलजी क्रांति या खिलजियों के समय में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन अमूलचूल परिवर्तन शासन पद्धति राजत्व सिद्धांत और उनके जीवन शैली में, उनके सांस्कृतिक परिवेश में दिखाई पड़ता है। सभी को समग्र रूप से मिला के खिलजी क्रांति कहा जाता है।